नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 11 की, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से। यहां से हम शुरुआत करेंगे, और जैसा कि आपने कंटेंट्स में देख ही लिया होगा, वॉलपेपर आपने रीड कर लिया होगा कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ, अगर आपके पास ये लुसेंट की बुक है तो उसको रख लीजिए, और वहाँ पर आप सर्च करिए अपनी बुक में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये टॉपिक मिलेगा आपको आपकी कंटेंट्स में, जो विषय सूची होती है बुक के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप सर्च करिए कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, डायरेक्ट उस पेज को ओपन कर लीजिए। ये है आपका 8th एडिशन, पेज नंबर 69 की बात कर रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, और आपका वो पेज कहाँ पर है वो आप आराम से इजिली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, क्योंकि आप 10th पास कर चुके हैं, कुछ बच्चे 12th पास कर चुके हैं, कुछ बच्चे पीजी भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बड़े आसानी से आप पहुँच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नई बुक में ये सब चीज़ें नहीं है, नई बुक पुरानी बुक बिल्कुल सेम प्रिंटेड है, ये मैं आपको पहले से अपने पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा बंगाल के गवर्नर की। सबसे पहले थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और उन्होंने क्या क्या करा और उनका कार्यकाल क्या क्या था। तो इनका कार्यकाल एक्चुअली दो भागों में डिवाइड था, सबसे पहले 1757 से लेकर के 60, तो 3 वर्ष तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। उसके बाद में इन्होंने 5 ईयर का रेस्ट लिया, उसके बाद में ये 1765 से लेकर के 67 तक इन्होंने दोबारा इस पे अपने बंगाल के गवर्नर बने। और इन्होंने क्या क्या करा, इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। तो आपको देखिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से येलो से, वो आपको नोट करना है, उसको अपनी बुक में हाईलाइट करना है। अगर बुक आपके पास में रियल में नहीं है, आपने परचेज नहीं करी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज मार्केट पास में है तो मार्केट से भी परचेस कर लीजिए। लेकिन बुक को हाथ में रखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी सब टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त करा था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एक ये वर्ड भी है, राजा सिताब राय को नियुक्त कहाँ पे करा था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो ये करा था, ये थे बिहार के लिए। अन्य गवर्नर काफी सारे रहे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो केवल है रॉबर्ट क्लाइव। अब हम उसके बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो एक्ट था वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल क्या था, 5 वर्षों का डिसाइड करा गया था कि 5 ईयर तक ये लोग काम करेंगे, और मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ये किस रूप में आया था, ये एक्चुअली एक क्लर्क था, और अपने कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। एक छोटा सा क्लर्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल था 1774 से लेकर के 85 तक के बीच में। इसने राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे लाया, ये लाया कलकत्ता में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है आपका, कहाँ से कहाँ हटा के लाया था, ये कलकत्ता लाया था। और 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना करी, और इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित करा। तो पहला जो मदरसा था वो किसने स्थापित करा था, तो ये करा था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और पहला मदरसा कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में, याद रखिएगा कहाँ पर, कलकत्ता में। और कब हुआ था, अगर वर्ष की बात करी जाए आपसे, एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है 1781, राइट। तो ये पूरी लाइन आपको पेन डाउन करनी है, अगर बुक नहीं है तो इसको लिख लीजिएगा, और बुक है तो केवल आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं, प्रथम मदरसा कलकत्ता 1781 बस। आगे हम बात करते हैं, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की
वार्षिक पेंशन मिलती थी, जो क्या करा इसने, बंद करवा दी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये बनता है कि किस गवर्नर ने मुगल की पेंशन्स को बंद करवाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखे क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं, इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। प्रकाशक कौन थे, किसने प्रकाशित किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की। आगे हम बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1775 टू 1782। और दूसरा कब हुआ था, तो आपको जो भी आंग्ल युद्ध हुए थे वर्ष में वो आपको याद रखने हैं। दूसरा इतनी तारीख को हुआ था, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाभाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। एसएससी सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि देखिए कि प्रथम या द्वितीय जो भी मैसूर युद्ध था वो किस संधि के बाद में समाप्त हुआ। तो पहला किस संधि के बाद में हुआ था, वो आपको याद रखना है, सलबाई की संधि। सलबाई की संधि, और इसको सालाबाई की संधि भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, सलबाई की संधि बोलेगा या फिर बोलेगा आपसे सालाबाई की संधि। तो इस संधि के बाद में ये दोनों युद्ध क्या हो गए, समाप्त हो गए थे। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किसके काल में, हेस्टिंग्स के काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में क्या हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, पिट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और इसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में बंगाल पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कार्नवालिस की। ये मैकफर्सन इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, फिर हम बात करेंगे केवल केवल लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में कि इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। सारे अधिकार किसके हाथों में होंगे, कलेक्टर के हाथों में। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। अब ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइट करा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू करी। तो शायद अब कुछ बच्चों का दिमाग ठनक रहा होगा जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की किसने, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था कार्नवालिस, जिसके तहत क्या होता था, जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना होता था। तो भू राजस्व जो भी होगा 90% किसका होगा, कंपनी का होगा, बाकी 10% उसका स्वयं का होगा। तो अगर 90 का माना जाए तो 10/11 भाग, तो 10/11 भाग आपसे नहीं बोलेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा परसेंटेज बस केवल, ठीक है? तो 90% कंपनी का था और 10% क्या था, उसका अपने पास था। तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई थी, और कब हुई थी, तो ये वर्ष भी आप प्लीज स्किप मत करिएगा, ये था आपका 1793। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट लागू किसने करा था, ये कहा था लॉर्ड कार्नवालिस ने, इसलिए उसका नाम एग्जाम में हर बार आता है। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था, और इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किस लॉर्ड को कहा जाता है, किस गवर्नर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा, नागरिक सेवा एवं जनक। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। सहायक संधि की पद्धति किसने करी थी, लॉर्ड वेलेजली ने, और ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, देखिए कि इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले किसने करा था, ठीक है? वेलेजली से पहले जो आया था उसने भी इस तरह की एक सहायक संधि बनाई थी, उसका नाम था डुप्ले, और ये कहाँ का गवर्नर था, ये था आपका फ्रांसीसी का। आगे हम बात करते हैं, इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। किसके काल में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी,
सबसे पहले अब याद रखिएगा, ये वर्ष 1799 में आंगल मैसूर युद्ध कौन सा था? ये था आपका चौथा। कौन सा? ये था आपका फोर्थ। उसके बाद कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड वेलेजली। तो ये चीजें आपको बस केवल नोट्स करनी है, नोट करके इसको याद करना है बच्चों, क्योंकि तो लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बुक में। इसके बाद में बात करूंगा आपसे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कि संगोली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों तथा गोरखों के बीच में संगोली की संधि के द्वारा आंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। इसी के समय क्या हुआ था? देखिए मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसी के समय में 1882 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वही स्किप कर रहा हूँ। देखिए एक एक लाइन को अगर मैं पढ़ पढ़ के आपको बोलूँगा तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, आपको ये लगेगा कि पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। तो केवल केवल बस केवल इसी बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको एक एक लाइन पढ़ने का मन है यार, ठीक है, तो आप एक ऑडियो फाइल है इस चैनल पे, उसको वॉच कर, उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और अपनी बुक में एक एक लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मैं मानता हूँ कि नोट्स में और बुक में कोई फर्क होना चाहिए। नोट्स होता है आपके पूरा कंप्लीट बुक का प्रिसाइज छोटा सा अंश, ठीक है? हमेशा जो बनते हैं नोट्स पूरी बुक के, वो बनते हैं 1/3, 33% या फिर 10%। तो नोट्स में बुक में थोड़ा फर्क रहने दो, अपने नोट्स खुद बनाओ, बुक में से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, इसने क्या करा था, इसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट अब तक हैं। देखिए राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है? किसके काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, समाप्ति हुई? तो वही बेंटिंक के काल में, और कब हुआ था? 1829 में। तो ये तीन चीज़ें बस केवल इसके काल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त किसने करा, सती प्रथा को समाप्त किसने करा? तो दोनों ही काम किसने करे थे, ये करे थे बेंटिंक ने। सती प्रथा का वर्ष याद रखिएगा और ठगी प्रथा का भी जो वर्ष है वो आपको याद रखना है 1830। सन 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है? इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्क एवं मध्य कच्चेर को हड़प लिया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। देखिए एक्चुअली अगर बात करी जाए बेंटिंक के बारे में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बेंटिंक जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी था। सती प्रथा का अंत इसने करा और उसके बाद में ठगी प्रथा को समाप्त इसने करा। शिशु बालिका की हत्या भी इसने करवाई, बच्ची के जन्म लेते ही उसको क्या करते थे, मार देते थे। कि ये क्या है, एक तरह से बहुत ही एक बड़ा घिनौना पाप था जो लोग पहले बहुत करते थे। आगे हम बात करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, ठीक है? इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी और ये कहाँ से कहाँ तक है, कलकत्ता से दिल्ली तक 1839 में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ये वर्ष भी याद रखना है और कहाँ से कहाँ तक ये रोड है आपको ये भी याद रखना है, और मरम्मत किसने कराई ये भी आपको याद रखना है, और किस रोड की मरम्मत कराई, ये कराई ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। लॉर्ड एलिन बरो, दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था 1843 के एक्ट 5th के द्वारा। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नरबलि मतलब कि आदमियों की हत्या जो होती थी, इस पर इसने प्रतिबंध लगाया। ध्यान रखना नरबलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने, और बेंटिंक ने किस पे लगाया था, शिशु पर, ठीक है, शिशु बालिका की हत्या पर। तो दोनों को ही आपने ध्यान रखना है और दोनों के ही जो लॉर्ड गवर्नर थे उनको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है ये भी। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना करी। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें क्या था, छीनना था। और डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। व्यापक सिद्धांत मतलब कि
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट करा था? तो ये करा था डलहौजी ने। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे कौन कौन से, मतलब कुछ राज्यों को उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, उस पर पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया, उसको अपना उपनिवेश बना लिया, इन शॉर्ट में ये। ठीक है, सबसे पहला जो था वो जगह थी सतारा। सतारा पे इसने कब करा कब्जा? तो ये करा था 1848 में। तो सतारा इम्पोर्टेंट है जगह, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको भारत में रेलवे का जनक की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है डलहौजी को। इसी के समय भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? वो चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। टोटल डिस्टेंस कितना था इनके बीच में? 34 किलोमीटर। प्रथम रेल चलाई गई। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं तो शायद उनको अच्छे से पता होगा। अगर आपने अभी भी शुरुआत करी तो इस क्वेश्चन को आपने नोट करना है, इसके साथ साथ आपने ये पूरी बुक को जो जो हाईलाइट करे हुए हैं वो ध्यान से पढ़ना, काफी बेसिक चीजें हैं ये। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी हुआ, और इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, और इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी करी। डलहौजी ने भी क्या करा था? नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास करा। सबसे पहले उसने करा था, उसके बाद में इसने। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी दोनों ने ही प्रयास करा। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इसके कार्यकाल में देखिए, इसका कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862। ठीक है, इसके बीच में आया 1857 का रिवॉल्ट, आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति वो किसके काल में हुई थी? वो काल में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अब हम बात करते हैं कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उसके बाद से वायसराय स्टार्ट हो गया, तो भारत का प्रथम वायसराय क्या था? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के समय ही इसने सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, मतलब कि विधवाओं का भी दोबारा से विवाह हो सकता है। जिनके पति मर जाते थे तो पहले क्या चलती थी? सती प्रथा। सती प्रथा का अंत हुआ था, अभी हमने देखा कि किसने कराया। उसके बाद में इसने ये बोला कि अब जो विधवा हो गई है जिसका पति नहीं है तो क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कैनिंग ने ये बोला, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। किसने? कैनिंग ने। ठीक है, शुरुआत किसने करी? डलहौजी ने, और समाप्त किसने करा? कैनिंग ने। दोनों ही जो पर्सनैलिटी है आप याद रखिएगा। लॉर्ड एलिगन, इसने भावी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या क्या करा? इसने अकाल आयोग की स्थापना करी, गठन करा, और सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच में क्या क्या हुआ था? प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये लूसेंट के अलावा अन्य किसी बुक में ज्यादा नहीं दिया गया है कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफ, बात करें समुद्री टेलीग्राफ की सेवा किसने शुरू करी थी, तो वो करी थी लॉर्ड लॉरेंस ने। तो स्टेट पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ते हैं कि मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने करी थी। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने करी थी। प्रथम जनगणना, भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भी हुई थी। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है केवल आप लिखिए, लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज, कृषि विभाग, प्रथम जनगणना 1872, बस नोट्स में आपको इतना लिखना है अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अगर बुक में हाईलाइट कर रहे हैं तो केवल इसी तरीके से आपको हाईलाइट करना है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसके समय में बंगाल के में भयानक अकाल पड़ा था और पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी क्या हुआ था? इसी के समय में ही हुआ था। लॉर्ड लिंटन, इसके बारे में खास बातें कुछ ये थी कि इसने सबसे बड़ा काम करा, इसने सबसे बड़ा काम ये करा, इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। और लिंटन ने क्या करा? लिंटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी करी।
लॉर्ड रिपन के बारे में हम बात करते हैं। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। ठीक है, एक ने अगर अच्छा करा तो दूसरे ने क्या करा, उम्र को बढ़ा दिया। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड रिपन और लिंटन के बारे में। ठीक है, लिटन भी बोलता है इसको, लिंटन भी बोल सकता है आपसे, तो लिटन बोलेगा रिपन बोलेगा, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना। इसने 21 वर्ष से घटाकर, इसने लिटन ने क्या करा, उम्र को घटाया, और रिपन ने क्या करा, उम्र को अगेन बढ़ा दिया। इसके बाद इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी, स्थानीय स्वशासन की इसने क्या करी, शुरुआत करी। और इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो इसके समय में क्या हुई, भारत में 1881 में सबसे पहली एक नियमित जनगणना उसके बाद में स्टार्ट होने लगी 1881 से। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872। एक फैक्ट और है इसके संबंधित कि फ्लोरेंस नाइट एंगल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ठीक है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको प्राप्त है, तो ये है फ्लोरेंस नाइट एंगल ने रिपन को ये बोला था, तो ये संज्ञा रिपन को प्राप्त है। आगे हम बात करते हैं, देखिए डफरिन के बारे में, लॉर्ड डफरिन। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो हुई थी 18 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए ओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब, 28 दिसंबर 1885 में। लॉर्ड लैंस डाउन 1888-1894, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इनका काम था वो था कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड लैंस डाउन, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसका एग्जाम होने वाला है सितंबर में। तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और एमपीपीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहां भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था। आपको चार ऑप्शन देगा, रिपन, लिटन, लैंस डाउन, और आपको देगा कोई अन्य ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन दे देगा, ये मान लीजिए। तो आपको याद रखना है लॉर्ड लैंस डाउन के काल में ये सब हुआ था। और उसके बाद सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी किसके कार्यकाल में, तो ये करी गई थी लैंस डाउन के ही कार्यकाल में। लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, भारत, अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की गई, यह कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन ने वैसे बहुत कुछ अच्छा भी करा, बहुत कुछ बुरा भी करा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन स्मारकों परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इसने करी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी कर्जन ने। और इसने एक चीज और करी थी, बंगाल का विभाजन। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण काम है, वो है 1905 में बंगाल का विभाजन। बाद में ये विभाजन रद्द हो गया। कब हुआ था, जब जॉर्ज पंचम जो थे भारत की यात्रा पर आए थे पहली बार, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा था कि फिलहाल बंगाल का विभाजन अब मैं रद्द करता हूँ और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाता हूँ। कलकत्ता से स्थानांतरित जो राजधानी हुई थी दिल्ली में, तो वो अनाउंसमेंट किसने करा था, जॉर्ज पंचम ने। तो उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट करे थे दिल्ली में आने के बाद में, तो वो टॉपिक ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ने वाली है शायद। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं कि कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तब उस समय कौन था लॉर्ड, उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर के 1916 के बीच में, देखिए इसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में राजा जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। अभी मैंने आपको बताया था जॉर्ज पंचम, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ पर बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द हुआ, ये भी मैंने आपको अभी बताया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, ये भी आपको अभी उन्हें देखा था।
और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? हमको लगता है वैसे कि 1911 में बनी थी, बट ऐसा नहीं था। 1911 में जॉर्ज पंचम ने केवल वर्बली अनाउंसमेंट करा था, बनी नहीं थी। देखिए, कैपिटल को अगर चेंज करा जाता है, ट्रांसफर करा जाता है, तो ये 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। किसी ने बोला तब से स्टार्ट हो गया। पेपर फॉर्मेलिटी बहुत चलती है। तो 1912 में दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बनी। अगर एग्जाम में जैसे कि आपको अगर काफी टाइम तैयारी करते हुए हो गया, तो वहां पे आपको ऑप्शन देगा 1911, 1912, 1913, 1914। तो वहां पे आप याद रखिएगा 1912। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, और इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो कब हुआ था ये स्टार्ट? ये हुआ था 28 जुलाई 1914 में, और समाप्त कब हुआ था? 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से, और खत्म कब हुआ था? 1945 के बीच में, जापान पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पर। ये दो स्थान याद रखना, हिरोशिमा नागासाकी पर दो परमाणु बम उसने डाले थे, गिराए थे। तहस नहस जापान हो गया था। पहले बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और सेकंड जो बॉम्ब गिराया था उसको एक नाम दिया था, उस बॉम्ब का नाम था आपका फैट मैन। तो दोनों बॉम्ब के नाम, किस में गिराए गए थे, किसने गिराए गए थे और कब गिराए थे, तो ये सब आपको याद रखना है। टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पूना में महिला विश्वविद्यालय भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये कब करा था इसने? ये करा था 1916 में, 1916 में। और इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वो हुआ था। और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के असहयोग आंदोलन इसी के समय में हुआ था। और तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। तो आपको केवल याद रखना है कि जलियांवाला बाग काफी फेमस है और कब हुआ था, ये आप याद कर लीजिएगा, इसका पूरा डेट, मंथ और ईयर। और रॉलेट एक्ट और साथ में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, और 1923 में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। और लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली की असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया था। उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे? उस टाइम पे लॉर्ड थे लॉर्ड इरविन। और इसी के समय में क्या हुआ था? लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू करी, और क्या हो गया, 64वें दिन 13 सितंबर 1929 में इनकी डेथ हो गई। मतलब 64 डेज तक वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहे, अंत में क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये जतिन दास काफी फेमस पर्सनैलिटी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 1929 में भूख हड़ताल के दौरान किसकी डेथ हुई थी, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको राइट रखना है। जतिन दास, ये नाम काफी फेमस है। आगे हम बात करते हैं 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन तीनों के तीनों कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। पहला कब हुआ था? 1930 में, सेकंड 1931 में, थर्ड 1932 में। पहली सम्मेलन में और तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था, लेकिन एक ऐसा पर्सनैलिटी है, एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। और सेकंड में मतलब कि 1931 जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस की तरफ से वहां पर लंदन में गए थे गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने के लिए। उसके बाद में थोड़े से विचार आपस में कंफ्लिक्ट करे, कॉलिजन बना विचारों में अम्बेडकर और महात्मा गांधी की जी के बीच में थोड़ा सा। उसके बाद में क्या हो गया वो लंबी कहानी है, मैं बढ़ता हूँ आगे। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित करा गया। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड बेलिंगटन, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था इनके काल में। ठीक है,
और भी बहुत कुछ हुआ था। देखिए, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास हुआ था और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने करी थी। लॉर्ड वेलिंगटन याद रखना है, मुंबई अधिवेशन 1915 आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने करी थी। आगे हम बढ़ते हैं। लॉर्ड लिनली थगो, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, कौन कौन से, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। आगे बात करते हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, किसके काल में, लॉर्ड लिन ली थगो के कार्यकाल में। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, किसके काल में, उस समय कौन थे, उस समय थे आपके, याद रखिएगा, लॉर्ड लिन ली थगो। तो आप ये लिखिए नाम, उसके आगे आप ये जो कर रखा है येलो से हाईलाइट, केवल इतना लिखिएगा, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, किसके कार्यकाल में, किस लॉर्ड के कार्यकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, तो वो पड़ा था किसके कार्यकाल में, तो ये अभी हमने नाम देखा, मैं अगेन आपके सामने लेके जा रहा हूँ नाम याला, तो लॉर्ड लिन ली थगो। बस इनका कार्यकाल इतना ही था और ये मेन काम करे थे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में। शिमला समझौता इसके काल में हुआ था, कैबिनेट मिशन इसके काल में भारत आया था, और कब आया था, शिमला समझौता हुआ था 1945 में और कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। इसमें क्या करा गया था, भारत विभाजन शामिल था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। इसको एक्चुअली लिखना मत, एक काम करना, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी कॉमन नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। आपने कई नाम कई बार ये नाम सुना भी होगा। और इससे संबंधित मैं एक बात आपसे बस कहना चाहूंगा कि एक राज्यसभा में एक सीरियल आया था संविधान के नाम से, तो उसके काफी सारे एपिसोड थे, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिएगा, शायद उसके 12-13 एपिसोड है, आधे आधे घंटे का एक सीरियल आता था, अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं भी सर्च मारेंगे, ठीक है, राज्यसभा सर्च मारना, उसमें राज्यसभा या लोकसभा था, शायद राज्यसभा था, हाँ, उसमें सर्च करना, उसमें एपिसोड में काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कैसे कैसे लॉर्ड आए थे, कैसे कैसे मतलब हमारा संविधान बना, वो सब ऐसे ऐसे सीएल देख करके थोड़ा सा माइंड माइंड जो होता है वो रब हो जाता है, पॉलिश होता है बहुत जल्दी वो। अब इसमें एक नोट पढ़िए आपकी, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेसी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हुए। आंदोलन है सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, ठीक है, जो जो विद्रोह इंपॉर्टेंट है केवल उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सन्यासी विद्रोह जो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल बिहार, सॉरी हाँ बिहार बंगाल, और यह समय था इसका 1760 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपसे भील विद्रोह के बारे में। जो भील विद्रोह था पश्चिमी घाट इसका स्थान था और कब से कब तक, 1885 से लेकर 31 तक के बीच में। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ, टीपू में, और 1885 से 27 के बीच में। बहावी आंदोलन जो संबंधित क्षेत्र है इस आंदोलन से, बिहार और उत्तर प्रदेश इस आंदोलन से संबंधित था और उसके नेता थे सैयद अहमद तूती मीर। तो आपको ये नाम भी काफी याद रखना है अच्छे से।
भावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश और नेता थे सैयद अहमद तुती मीर। कोल आंदोलन छोटा नागपुर जो अब है झारखंड में पड़ता है ये, और गोमधर कुंवर इसके नेता थे, इसको संभालने वाले, नेतृत्व करने वाले। और ये कब हुआ था तो ये सामने आपका ये लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ता हूँ फिलहाल आगे। नील विद्रोह बंगाल बिहार इसके क्षेत्र थे, तरुत सिंह 1854 से लेकर के 62 ईस्वी तक ये युद्ध लड़ा गया। संथाल विद्रोह का जो संबंधित क्षेत्र है वह बंगाल एवं बिहार, इसके नेता थे सिद्धू और कानू। मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी। बात करता हूँ नील आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नील आंदोलन। संबंधित क्षेत्र क्या है इसका? बंगाल। आप ये मान लीजिए कि बंगाल के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, और सफेद कपड़े में क्या लगता है? नील की आवश्यकता होती है। तो नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बंगाल में। और इसके जो प्रमुख नेतृत्व करने वाले इस आंदोलन के नेता थे वो थे दिगंबर, और ये हुआ था 1859 to 60 के बीच में। मोपला विद्रोह मालाबार मतलब केरल में, अली मुसलियार 1920 से लेकर के 1922 के बीच में। कूका आंदोलन चला था पंजाब में, भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व के नेता थे। इसका वर्ष कंप्लीट अभी डिसाइड नहीं हो पाया। आगे हम बात करते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति एक्चुअली काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रिवॉल्ट था, एक क्रांति थी, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे। तो इस वाले पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने अगले पार्ट में, और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, अगर आप कर सकते हैं तो। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, शायद 120 रुपये की नई बुक है। अगर आप छोटी वाली बुक लेंगे तो पड़ेगी आपको 100 रुपये की। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रिंटिंग बिल्कुल सेम है, एक एक शब्द बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ठीक है। बस साइज का फर्क है, एक चौड़ी है और एक कम चौड़ी है, मतलब उसकी हाफ है, थोड़ी मोटाई बढ़ जाती है। तो आप बुक को परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दूंगा, आप वहां से परचेज कर लीजिए। अगर परचेज नहीं करना है, फाइनली आपको केवल वीडियो के माध्यम से स्टडी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसा करिए। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को तुरंत मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ तो लोगों की काफी हैवी डिमांड आती है कि सर नेक्स्ट पार्ट कब, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट्स में मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़ा सा डिले करूंगा, 7 7 डेज के गैप में एक पार्ट आएगा। क्या रीज़न था उसका? पार्ट 9 में मैं आपको बता चुका था, दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इन शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि ये सभी पेज मुझे खुद स्कैन करने पड़ते हैं पेपर फाड़ के, मतलब कि बुक का एक एक पन्ना उसमें से निकाल करके बैक टू बैक मैं स्कैनिंग करता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने इसके रिगार्डिंग मेरी हेल्प करी थी, लेकिन वो बुक को फाड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो अगर स्कैन करते थे तो ये वाला जो साइड का एरिया था ये छुप जाता था, ठीक है। जब किताब को खोलते हैं तो अगर मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा तो वो चीज कवर नहीं हो पाती थी। जैसे इसमें कंप्लीट अच्छे से कवर हो रहा है, लेकिन ये अगर चीज मोड़ जाएगी, मुड़ जाएगी तो ये हाईलाइट नहीं हो पाएगी। तो इस चक्कर में मैंने उनको मना कर दिया। अब खुद स्कैन कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है कभी कभी, तो टाइम लग जाता है। बाकी आप ठीक है, अपना पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम आने वाला है और अब काफी कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो बस इन सब चीजों को आप हाईलाइट करते रहना अपनी बुक में, और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना। और मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक बार अगेन वॉच करना, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन सेव करके स्टडी कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन स्टडी करते हैं वीडियो को, मतलब ऑफलाइन सेव करके अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा सा एक लूप पॉइंट ये बनता है हमारे चैनल में कि व्यू कम होते हैं अकाउंट, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट उसको डाउनलोड डाउनलोड पे लगा दिया, डाउनलोडिंग पे आपका व्यू काउंट नहीं होगा, आप चाहे उसे 10 बार देखें। अगर व्यू काउंट नहीं होगा तो चैनल के सर्च इंजन पर ये वीडियो नहीं आ पाएगा और औरों तक नहीं पहुंच पाएगा,